कैसी लग रही है? बढ़िया। मुझे यहाँ पे अराउंड 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अपना एक साइड का फ्रेम सेटअप लग चुका है, देन दूसरी साइड सही फिटिंग नहीं बैठ रहा, बाकी देखते हैं अगर कोई जुगाड़ करके बैठ। जगी भाजी वही है, क्योंकि जगी भाजी ने अपनी एक कल बाइक ली है, तो कटाना जा चुकी है, अपनी न्यू सिटी आ चुकी है। सो जी संडे राइड से पहले अपने बाइक पे करा लेते हैं थोड़ा सा काम। काम बोले तो मतलब थोड़ा सा श्रृंगार ही समझ लो, कि अपना जो जो काम रहता था ना, इसकी जो जो ज़रूरतें थी वो आज पूरी कर देंगे। जैसे कि फ्रेम स्लाइडर हो गया, अपना टैंक पैड हो गया, एंड जो जो मतलब छोटा मोटा काम रहेगा ना, वो आज कंप्लीट करके घर पे आएंगे, क्योंकि आज है शनिवार और कल होने वाली अपनी संडे राइड। कि गुड़गांव में अपने सुमित भाई के ना कल नए कैफे की ओपनिंग है, तो कल राइड होगी अपनी वहाँ की। तो बाकी अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग में अपना बाइक पे काम कराने, एंड शहर से जैकी भाजी भी वहीं हैं, क्योंकि जैकी भाई ने अपनी एक कल बाइक ली है, तो कटाना जा चुकी है, अपनी न्यू CBR आ चुकी है, तो जैकी भाजी को भी एक बार कंग्रेचुलेशन बोल देना कमेंट सेक्शन में। और शहर से खन्ना भाई भी वहाँ पर आएगा, क्योंकि उसको भी अपनी बाइक पर काम कराना है। तो मैंने कहा मतलब आज सारे भाई लोग ना मतलब करोल बाग में मिलते हैं, तो सही है ना। बाकी यार ये ट्रैफिक ना, मुझे लग ही रहा था कि शादीपुर के यहाँ ट्रैफिक मिलना ही मिलना है, बाकी कोई नहीं, देखते हैं यार कितनी देर का ट्रैफिक रहता है। ये बाइक को लिए पूरा 1 महीना होने वाला है, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकला थोड़ा सा, तो मैंने कहा आज इसका ना काम करवा ही लेते हैं, मतलब बाइक पर जो जो ज़रूरतें हैं ना आज पूरी करके ही घर पर आएँगे वापस। तो चल के देखते हैं भाई सब। बाकी जैकी भाई से 2 घंटे पहले बात हुई थी, ये ना हो कि मैं जाऊँ और जैकी भाई घर चले गए हो, देखते हैं जाके, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 6:20, तो मुझे लग रहा है कहीं चले ना गए हूँ। तो स्विगी वाले भैया जी कह रहे हैं बढ़िया लग रही है बाइक। कैसी लग रही है बाइक? बाइक पे बंदा नहीं ठीक लग रहा? आए देख रहे, मतलब अपनी तारीफ ना खुद करवा लो। बड़ा हरामी हो बेटा, मतलब ऐसे रिएक्शन मिलते हैं ना तो अच्छा लगता दिल को। बढ़िया बढ़िया। बाकी यार एक ना मन में थोड़ा सा डाउट था, कि ये बताओ कि मुझे पीछे काउल लगवाना चाहिए ना या नहीं लगवाना चाहिए, मतलब सही लगेगा या नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं ना। बाकी एक दो स्टोर पे बात हुई है मेरी, मतलब किसी के पास फ्रेम स्लाइडर है, किसी के पास टैंक पैड है, मतलब एक बंदे के पास ना सारे सामान नहीं है, तो शायद से अलग अलग दुकान पर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर। सो जी बाकी अपनी कल संडे राइड होने वाली है ना, वो एकदम बम होने वाली है, क्योंकि अपने ना कल जितने भी भाई हैं ना, तो सारे एक साथ मिलेंगे कल, क्योंकि अपने प्यारे से सुमित भाई ने ना मतलब मेहनत करके ना अपना एक और नया कैफ़े खोला है अरावली हिल्स में, तो उसकी ओपनिंग है, तो वो भी पूरा कवर करेंगे। मैंने उसको भाई को बोला कि भाई फ़ोटो वीडियो की टेंशन मत ले, वो मेरे पे छोड़ दे, तेरा भाई बैठा है। सो जी अपना मैप भी लगा लिया है, एंड बाकी यहाँ से जहाँ पे जिस दुकान पर जाना है ना मुझे मासूम भाई की अपने, तो 1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो जैकी भाजी भी वहीं पर है, तो अगर मासूम भाई की दुकान पर मुझे अपना सामान मिल गया तो वेल है, नहीं तो किसी और पे पता करते हैं। बाकी भाई करोल बाग में एंट्री करने के बाद तो ट्रैफिक तो मिलना पक्का ही था, मुझे पता है जहाँ तक, क्योंकि शाम का टाइम है यहाँ पे, ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। कैसी लग रही है? बढ़िया। इसका कोई नहीं, पूरा होगा, सही है, बढ़िया। मतलब अंकल कह रहे बाइक बम लग रही है, तो मैंने भी पूछ लिया, मैं सही लग रही है, कह रहे हाँ इसका भी सपना है, मतलब सपना तो यार हर किसी का ही होता है, भगवान सबके सपने पूरे करे यार। करोल बाग में ट्रैफिक ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा यार। मुझे लग रहा है आज मैं पहुँच पाऊँगा टाइम से, और मुझे लग रहा है जैकी भाई तो पक्का जा चुके होंगे। सो जी ये अपना करोल बाग में मोटर किंग मासूम भाई की शॉप, जहाँ पे जैकी भाई ने अपना सारा काम करवाया है, एंड खन्ने भाई ने भी करवाया, तो खन्ना भाई आ नहीं रहा, एंड जैकी भाई यहाँ से निकल चुके हैं, तो खन्ना कह रहा है मैं कहीं फंस चुका हूँ, तो मैं शायद लेट हो जाऊँगा, तो फ़ायदा नहीं। मैंने कहा भाई तू मत ही आ, तो रहन दे, सीधा कल ही मिलता हूँ राइड पर। तो यहाँ पर मैंने पता किया है, तो मेरी बाइक का सामान ना यहाँ पर भी है नहीं, तो वो कह रहे मतलब मंगवा देंगे, तो मैंने कहा यार मुझे ना आज ही करवाना है जो करवाना है। तो इसके बाद यहाँ पर गली में एक शॉप है, तो उससे पता करते हैं शायद। सो जी ये है वो शॉप रोमी ऑटोमोबाइल्स, तो यहाँ पे बात हुई है अभी मेरी, क्योंकि किसी भाई के थ्रू हुई थी कि यहाँ पे मिल सकते हैं, उस भाई ने भी यहीं से लगवाए हैं, तो यहाँ पे एक बार पता कर लेते हैं। मतलब देख रहे हो अंदर एंट्री करके शॉप है ऊपर। तो जी GoPro रख दिया मैंने साइड में, अब कैमरे से थोड़ा ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि यार जब अपने पास चीज़ पड़ी है तो क्यों ना इस्तेमाल की जाए।
इसमें आ चुके हैं फ्रेम स्लाइडर, खोल के दिखा दो अंकल जी। सो जी अपना भाई चेक कर रहा है कि मतलब यहाँ पे लग सकते हैं नहीं लग सकते, क्योंकि ये ना आफ्टर मार्केट है, क्योंकि इसके तो है नहीं, तो चेक कर रहे हैं कि यार शायद क्या ना कोई जुगाड़ हो जाए। तो मुझे यहाँ तक पता है कि ये शायद ना पूरा फ्रेम उतरेगा तो जाके होगा कोई जुगाड़ ऐसा, बाकी देखते हैं यार लग जाए तो बढ़िया। बाकी यार आपका भाई ना ऊपर से ना मतलब मिरर भी ले आया उठा के, तो ये कुछ मिरर है अपने जो कि मैं लगाने की सोच रहा हूँ बाइक पे ना, तो देखते हैं अगर लगा के लुक अच्छी आई ना तो ये मिरर भी आज लगा के यहाँ से जाएंगे घर पे, बिना उसके नहीं जाएंगे। कैसे लगेगा, सही लगेगा ये? बढ़िया लगा भैया। पक्का? पक्का। तो भाई बोल रहे कि बढ़िया लगेगा, बाकी देखते हैं लगा के। A few minutes later. तो जी अपना एक साइड का पूरा मतलब फ्रेम स्लाइड ना लग चुका है, तो कैसी लग रही है लुक एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अपनी बाइक ना थोड़ी सी अपना वाइड हो गई है थोड़ी और, तो बाकी असली मतलब इसका रंग ना तो सुबह दिखेगा, क्योंकि अभी तो बहुत रात हो चुकी है। टाइम क्या हो रहा है भाई अपना? टाइम होने वाला है पूरा अराउंड 8:04। सो जी मैं जब से आया हूँ ना यहाँ पे मतलब कैमरा पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब अपना फेस नहीं दिखा रहा था, तो मैंने सोचा आप फेस भी दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पे अराउंड 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अपना एक साइड का फ्रेम सेटर लग चुका है, देन दूसरी साइड का लग रहा है देख रहे हो, तो अभी देखते हैं शायद से अगर मिरर अच्छे लगे ना तो मैं मिरर भी चेंज करा लूँगा अपने, और बाकी टैंक पैड मंगाए हैं भैया ने, अगर वो अच्छा लगा तो वो भी लगवा के जाएंगे, बाकी विंग्स वगैरह और काउल वगैरह देखते हैं, मतलब आज जो जो पॉसिबल होगा ना वो चीज़ यहाँ से अच्छा करा के जाएंगे बाइक पे। तो बाकी असली मज़ा तो सुबह आएगा इसका देखने में, क्योंकि अभी ना रात हो गई है तो मुझे लग नहीं रहा अभी वो ब्यूटी दिखेगी खुल के बाहर, तो देखते हैं आज क्या क्या करा सकते हैं अपनी बाइक पे। जी सबसे ज़रूरी चीज़ चैन क्लीनर एंड चैन ल्यूब और प्लस इसका ब्रश, मतलब ये चीज़ तो ज़रूरी थी तो ये भी ले लिया, बाकी भैया ने बहुत साथ दिया है, थैंक यू सो मच भैया, मतलब भैया ने ना हर एक चीज़ दिखाई है खोल खोल के। बाकी अपने चिराग भैया, थैंक यू भैया, बाकी टैंक पैड वगैरह मंगा दो आप भी फटाफट, ठीक है जी। मिरर चेक कर रहा हूँ बट मिरर की जो लुक है ना मतलब ऐसे ही कुछ आ रही है, तो मतलब ये ना सही फिटिंग नहीं बैठ रहा, बाकी देखते हैं अगर कोई जुगाड़ करके बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लेंगे ये। मुझे ना मतलब ऐसे चाहिए तो इसके ना ऐसे बैठ रहा है और उसकी वो सीधा है देख रहे हो, तो ऐसे रखना है तो ऐसे आएंगे नहीं, तो बस वो इशू है, तो देखते हैं अगर कोई जुगाड़ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रिटर्न करते हैं। मेरे भाई मतलब सारे लोग जा चुके हैं, मतलब देख रहे हो जिस दुकान से सामान लिया है ना वो दुकान भी बंद हो गई है, और हम भाई मतलब पूरी गली में सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे, और टाइम हो गया है आपका 8:52, मतलब 9 बजने वाले पूरे, और भाई की फ़ोटो लगी है देख रहे हो मतलब, तो भाई को देनी पड़ रही है टॉर्च यहाँ पे, क्योंकि भाई को ना दिख नहीं रहा आप, क्योंकि लाइटें लुटे सब बंद हो चुके हैं यहाँ पे, तो हम दोनों भाई रह चुके हैं, बस फटाफट काम हो जाए। मुश्किल से मतलब अब फेयरिंग लग रही है, अपने दोनों साइड के स्लाइडर लग चुके हैं, मिरर मैंने कैंसिल कर दिया, एक साइड का मैंने मिरर उतारा था देखने के लिए, बाकी क्योंकि मिरर की फिटिंग ना सही नहीं बैठ रही, तो भैया को भी जल्दी जल्दी हो रहा था, तो उन्होंने कहा शॉप बढ़ाने का टाइम हो चुका है, तो भैया आप देख लो, तो मैंने कहा भैया कोई नहीं फिर आप अभी रुको मैं फिर कभी आता हूँ, बाकी अपना फ्रेम स्लाइडर वाला काम हो चुका है पूरा एक नंबर, बाकी अपना टैंक पैड अभी इनके पास भी नहीं है, जो इन्होंने लगा के दिखाए उसकी फिटिंग मेरे को सही नहीं लगी, तो इस करके उन्होंने ब्लॉग में भी नहीं दिखाया, बड़े मतलब बेकार से लग रहे थे वो। सो जी अपनी बाइक हो चुकी है पूरी कंप्लीट एंड टाइम हो गया 9:10 एंड घर को चलने की तैयारी है अब, ठीक है। फ्रेम स्लाइडर लग गए, मिरर मैंने नहीं लगवाए एंड टैंक पैड जो मिला था वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लगवाए, मिरर की फिटिंग अभी ना बैठ नहीं रही थी, तो भैया कह रहे शॉप बढ़ाने का टाइम है तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लो, तो मैंने कहा कोई नहीं भैया अभी फिर रहने देते हैं अगर फिटिंग ही, क्योंकि फिटिंग ना ढंग से बैठ नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने कहा भैया कोई नहीं, बाकी ये मेरे सुनील भाई ने काम किया है। हाँ जी भाई लेट तो नहीं हो रहे? नहीं सर कोई नहीं, मतलब भाई ने ना देख रहे हो लेट नाइट रुक के मेरे साथ काम किया है यहाँ पे। बाकी कहाँ जाना है आपको? ये राजेंद्र नगर। तो भाई को राजेंद्र नगर जाना है, तो भाई कह रहे हैं मेरे को रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा भाई मैं छोड़ दूंगा आपको, आप मेरे साथ बाइक पे बैठ के जाना है, तो अब चलते हैं भाई को लेके एंड भाई को ड्रॉप करते हैं फिर अपना निकलते हैं घर को, बाकी मिलते हैं सुबह राइड पे, मतलब अभी तो ब्लॉग में बातें करेंगे GoPro लगा के। तो सुनील भाई पीछे बैठ चुके हैं यहाँ पे, इनको राजेंद्र नगर उतार दूंगा मैं, तो इन्होंने अपने घर जाना है, क्योंकि इनके ना घर से भी कॉल आ रहा है कि भाई घर पे जाके ना भैया खुद ही रोटी बनानी पड़ती है हमें खाना वगैरह, तो मैंने कहा भाई आप मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा तुम रिक्शे से मत जाओ, तो भाई को यहाँ पे उतार के अपना चलते हैं घर पे। तो बाकी जो आज का अपना खर्चा बैठा है ना वो अराउंड 2000 रुपये के मेरे फ्रेम स्लाइडर आए हैं, ठीक है, एंड 300 रुपये भाई ने लगाने के लिए मेरे सुनील भाई ने, तो बाकी सही है यार, मतलब ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी थी। चल ये हो गया, बाकी जो रेस्ट काम रहता है हमारा तो वो भी जल्दी करवाते हैं, अगर होपफुली अगर कल संडे राइट से जल्दी फ्री हो गया तो मैं कल ही करवा लूँगा, तो बाकी सही है यार आज का दिन ना बढ़िया गया, मतलब 6 बजे आया था मैं और 9:15 हो गया है, तो जो 3-4 घंटे लगे अपना वसूल हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि फ्रेम स्लाइडर लगवाने हैं तो आज लगवा ही लिया, तो भाई बढ़िया। बाकी आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड,
आई होप आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो भाई एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब वाला बटन तो ज़रूर दबा के जाया करो यार। 1 लाख होने वाले आपके भाई के, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल संडे राइड पर।